एक समय की बात है, एक जंगल में एक सेब के पेड़ का खेत था। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर सेब उगते थे। एक पेड़ की पत्ती पर एक तितली ने अंडा दिया और उड़ चली। कुछ समय बाद अंडा हिलने लगा और टूट गया। एक छोटी सी कैटरपिलर उसमें से बाहर देखती है। उसने उबासी ली और अपनी आंखों को मला ताकि रोशनी सहन कर सके। वो कैटरपिलर बहुत भूखी थी। वो खाना खोजने लगी और फिर उसे एक सेब दिखा। उसने सेब को काटा और उसमें एक छेद बना दिया। वो उस सेब में रेंग कर चली गई और वहीं रहने लगी। सारा दिन वो बस फल और पत्तियां खाती। और जैसे ही सूरज ढल जाता, वो थक जाती और उसे नींद आ जाती। नींद में ही उसने पत्तियों के सहारे अपना बिस्तर जमाया। फिर ऐसे ही वो उस बिस्तर पर गई, अपने पैर रखे और आंखें बंद कर ली। झट उसे नींद भी आ गई। जैसे ही वो गहरी नींद में सोने लगी ही थी कि उसे क्रिक 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 की आवाज सुनाई दी। पहले तो आवाज धीमी थी, मगर धीरे धीरे बढ़ने लगी। कैटरपिलर बहुत तंग आ गई और उसने अपने कान ढक लिए। कैटरपिलर उठी और अपने फल के बाहर देखने आई कि आवाज कहां से आ रही है। बाहर आकर उसने देखा कि आसपास और भी कैटरपिलर उस आवाज की तलाश कर रहे हैं। आवाज तो हर जगह से आ रही थी, मगर उसे समझ ही नहीं आया कि ये कौन कर रहा है और कहां से। कैटरपिलर ने जमीन की ओर देखा और वहां एक झिंगूर ये आवाज निकाल रहा था, क्रिक क्रिक क्रिक। झिंगूर को देखने के बाद कैटरपिलर को उस आवाज का राज समझ आया। कैटरपिलर ने इंतजार किया कि कब वो आवाज निकलना बंद करेगा, मगर झिंगूर तो रुका ही नहीं। कैटरपिलर ने सोने की बहुत कोशिश की, मगर सो ना पाई। तो वो दूसरे पेड़ पर चली गई जहां आवाज नहीं आ रही थी। कैटरपिलर ने वहां सोकर रात बिताई और फिर अगली सुबह वो रोज की तरह खा रही थी। उसका दिन बीत गया। वो अब थक चुकी थी और सोने को तैयार थी, लेकिन फिर से उसने वो आवाज सुनी। मैंने अपना घर भी बदल लिया, मगर ये झिंगूर तो अभी भी आसपास ही हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपने सेब से बाहर आई और दूसरे कैटरपिलर के पास गई। उसने उन्हें समस्या के बारे में बताया और हल भी दिया। सबने उसकी बात मानी और पत्तियां तोड़ने लग गए। उन्होंने सारी पत्तियों को सीटी के आकार में रोल किया, फिर उसमें से जोर से आवाजें निकालने लगे। उसकी आवाज झिंगूरों की आवाज से भी बहुत तेज थी। सभी झिंगूर वो आवाज सुनकर उठ गए और हैरान हो गए, और फिर उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। तुमने देखा, मेरी योजना काम आई। ये झिंगूर सही में चुप हो गए हैं। सभी कैटरपिलर बहुत खुश थे कि झिंगूरों ने अपनी आवाज निकालना बंद कर दिया है, और सब ने सोने की कोशिश की। पर जब कैटरपिलर सोने गए, झिंगूर भी सोने गए और खुद ब खुद फिर से आवाज शुरू हो गई। जब झिंगूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कैटरपिलर वापस उठ गए। यही सब दोबारा शुरू हो गया। तब
तभी जिंगुरू ने कैटरपिलर के पास जाकर बात करने का सोचा। सभी जिंगूर आपस में चर्चा कर रहे थे। अरे, मैं इन कैटरपिलर के शोर में नहीं सो पा रहा हूँ। तुमने देखा, जब हम आवाज निकालते हैं, वो सब भी तभी आवाज निकालते हैं। और अब जब हम चुप हो गए, वो भी चुप हो गए हैं। चलो, चलते हैं। तीन जिंगुरों का दल कैटरपिलर के पास बात करने गया। हे कैटरपिलर, हम सब तुम्हारे इस शोर में बिल्कुल नहीं सो पा रहे। हमें भी तुमसे यही शिकायत है, तुम्हारी इस क्रिक 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 आवाज में हम भी नहीं सो पा रहे। ऐसा लगता है कि हम दोनों को ही कठिनाई है। तुम सब कोई और रहने का ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ सकते? हमने अपना ठिकाना पहले भी तुम्हारी शोर की वजह से बदला, मगर हमें इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी बनावट ही ऐसी है, ये आवाज तो आएगी। हम सब जब सोते हैं, ये आवाज खुद ब खुद निकलती है। अगर हम इस आवाज को रोक पाते तो जरूर रोकते। ओ, ऐसा क्या? हम इस बात से अनजान थे, मगर हम कैटरपिलर तो आवाज बंद कर सकते हैं। क्योंकि तुम सब अपना ठिकाना पहले भी बदल चुके हो, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। हम झिंगूर अपने रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, ये सही उपाय है। मैं हमारे बाकी झिंगूर दोस्तों को जाकर बोलता हूँ। हमारी समस्या को समझने के लिए शुक्रिया, तुमने एक समझदार उपाय दिया है और ये हम दोनों के लिए अच्छा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, थोड़ी सी समझदारी और वार्तालाप से उसका हल जरूर निकल आता है। धन्यवाद।